हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है 1917। दोस्तों, ये कहानी है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक देश दूसरे देश के खिलाफ साजिश रच रहा है और किस तरह से सोल्जर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। 6 अप्रैल 1917 का वक्त, जब पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ रही थी, हम देखते हैं 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को जो एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों का नाम है विलियम और टॉम। इतने में ही इनके पास एक और सोल्जर आता है और वो उन्हें उठाते हुए कहता है कि तुम्हें जनरल ने बुलाया है। इसके बाद ये फौरन से जनरल के पास जाते हैं। जनरल इन्हें बताता है कि जो हमारी 2nd बटालियन है वो नॉर्दर्न फ्रांस में है और उसमें हमारे 1600 जवान हैं और इन सब की कमान संभाल रहे हैं कर्नल मैकेंसी। और कर्नल मैकेंसी के आखिरी मैसेज में उन्होंने हमें बताया था कि उनके हमले के बाद में जर्मन सैनिक वो मोर्चा छोड़कर चले गए हैं और इसीलिए कल सुबह ये लोग आगे बढ़कर उस मोर्चे पे कब्जा करेंगे। और कर्नल मैकेंसी वहाँ से दुश्मन का वो मोर्चा नहीं देख सकते जहाँ पे उन्होंने अपने हथियार और गोला बारूद रख रखे हैं। और ये सब का सब एक ट्रैप है, एक जाल है। दुश्मन चाहते हैं कि जिस मोर्चे को वो छोड़ कर जा चुके हैं, जब वो वहाँ पहुँचे तो वो उन पर धावा बोल दें, जिसमें हमारे 1600 जवान मारे जा सकते हैं। अभी हम उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते इस बारे में, क्योंकि हमारे सारे कनेक्टिव वायर्स काटे जा चुके हैं और इसीलिए हम में से किसी को वहाँ पर जाना होगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इसी काम के लिए हमने तुम दोनों को चुना है। तुम दोनों जाओ कर्नल मैकेंसी के पास और जाकर उन्हें कहो कि वहाँ से वो आगे ना बढ़े, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। अब वो दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। टॉम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। वो जल्दी से जल्दी वहाँ जाना चाहता है क्योंकि उन 1600 जवानों में उसका भाई भी शामिल है। विलियम उससे कहता भी है कि हमें रात को निकलना चाहिए, ये इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ चारों तरफ जर्मन सैनिक हैं। पर टॉम उसकी नहीं सुनता, वो तो बस जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना चाहता है। अब ये दोनों के दोनों जर्मनी टेंट के उस छोर तक पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें बाहर निकलना है। यहाँ एक सोल्जर होता है जो सिस्टम से, लड़ाई से, यानी कि हर तरह से वो बहुत परेशान होता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम्हें अपनी जान की रक्षा खुद करनी होगी। फिर वो इन दोनों को वेस्टर्न फ्रंट तक पहुँचने का सही रास्ता बता देता है। फिर वो दोनों ट्रेन से निकल के बाहर आ जाते हैं। और यहाँ से बाहर निकलने के बाद टॉम और विलियम देखते हैं यहाँ चारों तरफ तबाही का सन्नाटा मचा हुआ है। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर नो मैंस लैंड को पार कर लेते हैं। दोस्तों, नो मैंस लैंड वो जगह होती है जिस पर किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता। अब वो दोनों वहाँ से निकलकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जर्मन ट्रेंच बने हुए हैं। वो उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि अभी अभी जर्मन कुछ देर पहले ही इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं, यानी यहाँ पे एक भी जर्मन सिपाही नहीं है। अब इन दोनों को इस ट्रेंच के अंदर एक बंकर दिखाई देता है और जब वो इस बंकर के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स ने उनके लिए एक जाल बिछाया हुआ है। यहाँ पर ट्रिप वायर लगी होती है, अगर वो लोग उसके ऊपर पैर रखते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जिसमें इन दोनों की जान भी जा सकती है। लेकिन इनकी किस्मत यहाँ अच्छी है कि इनको वो ट्रिप वायर दिख जाता है। लेकिन दोस्तों, इनकी किस्मत को हम इतना भी अच्छा नहीं मान सकते क्योंकि अगले ही पल एक चूहा आकर इस ट्रिप वायर पर गिरता है और इससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से ये लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं और विलियम मलबे के नीचे दब जाता है। इसके बाद टॉम विलियम को मलबे से बाहर निकालता है और फिर दोनों दौड़ते हैं बाहर जाने के लिए क्योंकि अब ये ट्रेंच किसी भी वक्त ढह सकता है। और इस तरह से ये एक बार फिर से बच जाते हैं। इसके बाद ये थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं और इन्हें यहाँ पर यूज़ किए हुए हथियार दिखाई देते हैं जो जर्मन्स ने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर विलियम पूरी तरह से ये समझ चुका है कि उनके रास्ते में मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो टॉम से बोलता है कि टॉम, तुमने मुझे क्यों चुना अपने साथ जाने के लिए। टॉम कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, हम दोनों को सेम ऑर्डर्स मिले थे। फिर इन दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लेकिन बाद में ये समझ जाते हैं कि हमें अब अपने सफ़र को तय करना ही होगा। अब वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। टॉम विलियम को एक कहानी भी सुनाता है ताकि उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो सके। अब कहानी सुनते और सुनाते ये दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब इन दोनों को अपने सामने हरियाली दिखती है, साथ ही साथ ऊपर उड़ रहे फाइटर जेट भी दिखाई देते हैं जो जगह जगह पर ब्लास्ट कर रहे होते हैं। ये दोनों बातें करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी बातों ही बातों में टॉम को पता चलता है कि विलियम पिछले साल जिस लड़ाई का हिस्सा था उसके लिए उसे कोई पदक भी मिला था, लेकिन अब वो उसके पास नहीं है। टॉम जब उससे पूछता है कि अब वो पदक कहाँ है तो विलियम बताता है कि किसी फ्रांसीसी कप्तान को वाइन की बोतल के बदले उसने वो पदक दे दिया। और ये सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है, जिस पर विलियम बोलता है कि वो सिर्फ एक टिन का टुकड़ा था और कुछ नहीं।
दोस्तों, इस समय माहौल ऐसा होता है कि किसी की भी जान कभी भी जा सकती है। लोग इस समय खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और सोल्जर्स तो बहुत ज़्यादा। और इसीलिए सोल्जर्स में किसी भी चीज़ की कोई भी कीमत नहीं है। अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक टूटे फूटे से फार्म हाउस में पहुँचते हैं और वो दबे पैर इस फार्म हाउस के अंदर जाते हैं। फिर चारों तरफ छानबीन करने के बाद इनको पता चलता है कि इस फार्म हाउस में कोई भी नहीं है। अब ये दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ दो प्लेन एक प्लेन पर हमला कर रहे होती है, और उनमें से एक प्लेन इनकी तरफ ही आ रहा होता है क्योंकि वो प्लेन क्रैश हो रहा है। अब ये जैसे तैसे अंदर भागते हैं, लेकिन तभी वो प्लेन क्रैश आकर इनके ऊपर ही गिरता है और उसमें आग लग जाती है। उसमें एक जर्मन सिपाही होता है। टॉम और विलियम उसे बाहर निकालते हैं और फिर विलियम उसके लिए पानी लेने जाता है, और जब टॉम अकेला होता है तो वो जर्मन सिपाही टॉम को स्टैब कर देता है, और ये देखकर विलियम भागता है और वो जर्मन सिपाही को शूट करके मार देता है। अब टॉम बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। विलियम कोशिश करता है कि वो टॉम को यहाँ से ले जाए। तब टॉम कहता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, और इसीलिए विलियम उसे वहीं पर नीचे लेटा देता है। टॉम अब विलियम से पूछता है कि क्या अब मैं मर रहा हूँ, तो विलियम बोलता है कि शायद हाँ। तो टॉम विलियम से कहता है कि तुम मेरी तरफ से मेरी मॉम को एक चिट्ठी लिखना, उसमें तुम लिखना कि मैं डरा नहीं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अब टॉम विलियम से कहता है कि क्या तुम्हें रास्ता पता है, तो विलियम कहता है कि हाँ, और मैं सुबह होने तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे भाई से भी मिलूँगा। वो उससे बातें कर ही रहा होता है कि इतने में ही अचानक से टॉम की आँखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अब उसके मरने के बाद विलियम उसके हाथ से अंगूठी और गले से चेन वगैरह सब निकाल लेता है, ताकि वो निशानी के तौर पर उसके भाई को दे सके। अब यहाँ पर दो ब्रिटिश सोल्जर और एक कैप्टन आ जाता है। कैप्टन विलियम से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो विलियम उसे सारी सिचुएशंस बता देता है कि कैसे उसे सेकंड फ्रंट पर जाना है और अपने 1600 सिपाहियों को बचाना है। तो कैप्टन उसे बोलता है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। दरअसल इनके रास्ते में एक पेड़ गिर गया था और इसी वजह से ये लोग यहाँ रुके हुए हैं। और अब विलियम इनके साथ इनकी गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाता है, और पीछे रह जाती है उसकी यादें और उसका वो दोस्त। अब यहाँ से कुछ और आगे बढ़ने के बाद में इनकी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। विलियम गाड़ी से नीचे उतरता है और कैप्टन उसे बताता है कि आगे का ब्रिज टूटा हुआ है, इसीलिए आगे का रास्ता जो कि 6 मील है घूमकर इन्हें जाना होगा। पर विलियम के पास तो इतना वक्त नहीं है, उसे सुबह होने से पहले कैसे भी करके वहाँ पर पहुँचना होगा। इसीलिए वो अकेले ही टूटे हुए ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है, और जब वो उसको क्रॉस करता है तो एक टूटी फूटी बिल्डिंग से कोई इस पर गोली चलाता है। अब वो उस हमले से बचते हुए किसी तरह से उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर एक ज़ख्मी जर्मनी सैनिक होता है। ये दोनों ही एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जर्मन सैनिक की गोली विलियम के सिर पर लगती है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी गोली जर्मन सैनिक को लग चुकी थी और वो मर चुका है। दोस्तों, विलियम यहाँ पर इसलिए ज़िंदा होता है क्योंकि जर्मन सैनिक ने जो गोली उसकी तरफ चलाई थी वो उसके बुलेट प्रूफ हेलमेट में लगी थी, ना कि उसके सिर में। और अब बाहर अंधेरा हो चुका है। विलियम को सुबह होने से पहले कर्नल मैकेंसी तक पहुँचना है। अब इसीलिए वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उस पर हवाई हमले होने शुरू हो जाते हैं। उसे पहले ही बता दिया गया था कि रात को जान को ज़्यादा खतरा होगा, और इसीलिए वो बचता बचाता हुआ वहाँ से भागता है। और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक पूरी इमारत जल रही होती है, और वहां जाकर वो अपने सामने एक जर्मन सैनिक को देखता है, और ये सैनिक विलियम पर गोलियां चलाने लगता है। इसीलिए विलियम यहां से भागता है और एक तहखाने में पहुंचता है, और वहां पहुंचने पर वो देखता है कि एक लड़की वहां पर छुपी हुई है। वो उससे बोलती है कि मुझे मत मारना। दरअसल वो लड़की एक फ्रेंच है। इस पर विलियम उसे बोलता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं जर्मन सैनिक नहीं हूँ। अब विलियम वहाँ पर बैठ जाता है, और विलियम के सर पर एक घाव होता है जिस पर वो लड़की मरहम पट्टी लगा देती है। तभी विलियम देखता है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी है, जिसको देखकर विलियम बहुत खुश होता है, और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। अब विलियम के पास में थोड़ा सा दूध होता है जो उसने फार्म हाउस से अपने पास बॉटल में भर लिया था, और अब वो दूध वो उस लड़की को देता है ताकि वो उस बच्चे को पिला पाए, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखी है। अब विलियम उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद इस युद्ध के माहौल में किसी बच्चे की आवाज़ सुनी होती है। अब विलियम कहता है कि उसे अब यहाँ से जाना होगा। अब सुबह हो चुकी है और उसके चारों तरफ जर्मन सैनिक है। जो लड़की यहाँ पर होती है वो विलियम से जाने के लिए मना करती है, लेकिन विलियम उससे कहता है कि मुझे जाना होगा।
अब वो लड़की उस जगह का उसे सही रास्ता बताती है जहाँ पर विलियम को पहुँचना है, क्योंकि ये लड़की यहीं की है और वो यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे से जानती है। अब विलियम यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर उसके सामने बहुत सारे जर्मन सैनिक होते हैं और इतने में ही उसके सामने भी एक जर्मन सैनिक आ जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है और उसे कुछ भी नहीं कहने के लिए इशारे से बोलता है। वो कहता है कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही वो हाथ हटाता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है और इसीलिए विलियम उसे मार देता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर उसका एक और साथी आ जाता है। अब विलियम उसे नहीं मारता बल्कि धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो यहाँ की टूटी फूटी गलियों से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से बहुत सारे जर्मन सैनिक उस पर गोलियां चलाते रहते हैं, पर विलियम की किस्मत बहुत अच्छी होती है। अब वो एक ऊंची सी बिल्डिंग से कूदकर एक नदी में जंप लगाता है और वो उसमें बहता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। अब पूरी तरह से उजाला हो चुका है। विलियम किसी तरह से नदी के किनारे तक आता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और उसे अब तक कर्नल मैकेंसी के पास पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया है। साथ ही साथ अब तो उसे रास्ते का भी कुछ नहीं पता है और अब वो सोचता है कि बहुत ही जल्द 1600 जवान जर्मन के सिकंजे में फंसने वाले हैं। अब विलियम आगे बढ़ते बढ़ते एक जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स बैठे हुए हैं और उनमें से एक ब्रिटिश सोल्जर प्रेयर कर रहा होता है। अब विलियम भी उनके पास ही बैठ जाता है और जब सब सोल्जर्स उठते हैं तो वो देखते हैं कि विलियम अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है। वो विलियम से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन सी बटालियन से हो, जिस पर विलियम बोलता है कि जर्मन्स पर हमला नहीं करना है, मुझे सेकंड बटालियन तक पहुंचना है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम ही सेकंड बटालियन हैं। विलियम उनसे पूछता है कि तुम लोग हमले पर क्यों नहीं गए। वो कहते हैं कि हम दूसरी टुकड़ी हैं, हमें तुरंत हमले पर नहीं भेजा गया, हमारी बारी बाद में आएगी। यानी कि अब विलियम सही जगह पर पहुंच गया है, इसीलिए वो उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ कर्नल मैकेंसी है। अब जमीन के नीचे जो रास्ता है वहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स चल रहे होते हैं, वो जर्मन पर हमला करने जा रहे हैं और उसके ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। विलियम को अब यहाँ से आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है। अब हमला भी शुरू हो जाता है, जर्मन के सोल्जर्स इन पर गोला बारूद बरसाना शुरू कर देते हैं और विलियम अब समझ जाता है कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो ज़मीन के रास्ते से बाहर निकल जाता है और उस तरफ दौड़ना शुरू कर देता है जिस तरफ कर्नल मैकेंसी है। यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, गोलियाँ चल रही होती है, लेकिन विलियम अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल मैकेंसी की ओर बढ़ रहा होता है और वो फाइनली उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर कर्नल मैकेंसी है। वो कर्नल मैकेंसी से कहता है कि मेरे पास जनरल का संदेश है, आपको ये हमला रोकना होगा। अब कर्नल मैकेंसी उससे कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी, अब मेरे सिपाही वापस नहीं आ सकते। विलियम कहता है कि ये एक ऑर्डर है, पर कर्नल मैकेंसी अब अपने सोल्जर्स को वापस नहीं बुलाना चाहता। इसके बाद जब विलियम कहता है कि ये सारी एक साजिश है जिसकी तैयारी जर्मन्स कई महीनों से कर रहे थे, तो कर्नल मैकेंसी अब उस लेटर को पढ़कर विलियम पर विश्वास करते हैं जो उनके लिए जर्नल ने भेजा था। वो समझ जाते हैं कि विलियम सही कह रहा है। वो विलियम से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब कर्नल मैकेंसी अपने सभी सिपाहियों को वहाँ से वापस बुला लेते हैं और इस तरह से विलियम की वजह से कई सारे सैनिकों की जान बच जाती है। इसके बाद में विलियम टॉम के भाई ब्लैक के पास जाता है। वो उसे बताता है कि उसका भाई भी उसके ही साथ था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि टॉम के भाई को दुख होता है, लेकिन साथ ही उसको अपने भाई पे प्राउड भी होता है, क्योंकि वो इस देश के लिए शहीद हुआ है। विलियम के पास टॉम की जो अंगूठियाँ और चेन थे वो उसके भाई को वो लौटा देता है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को एक लेटर लिखूंगा जैसा मुझे टॉम ने लिखने को कहा था, ताकि तुम्हारी मॉम को पता चल सके कि वो अपने आखिरी वक्त में अकेला नहीं था। फिर एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि विलियम एक पेड़ की तरफ बढ़ता है, वो उस पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाता है। फिर अपनी पॉकेट से वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी की फ़ोटो निकालता है और इस फोटो को देखने लगता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, होप आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।